वो पूरा घर है उसमें। इलेक्शन कैंपेन के लिए मैंने इमरान खान को तोहफा दे दिया। बता दें, रिटायर्ड फौजी जो हैं इमरान खान के साथ करें, मैं कहूँगा कि 99% वो इमरान खान की जूती की खाक के बराबर है। दैट्स अ फैक्ट। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हुसैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। आज इमरान खान से रिटायर्ड फौजियों की मुलाकात थी। मुलाकात के बाद इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं मुलाकात में क्या डिस्कस हुआ, इस हुकूमत के बारे में क्या कहते हैं, इमरान खान के बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मैं रिटायर्ड फ्लाइट लेफ्टिनेंट अनवर खान हूँ। मुझे कैप्टन अनवर खान के नाम से जानते हैं लोग, और कैप्टन पाकिस्तान भी। कैप्टन पाकिस्तान साहब, मुझे ये बता दें, इमरान खान से मुलाकात की वजह क्या थी, क्या डिस्कशन हुआ वहाँ? हम रिटायर्ड वेटरन्स जो थे, हमने मिलना था उनके साथ, सॉलिडरिटी दिखानी थी कि हम आपके साथ हैं, क्योंकि एक ही ईमानदार लीडर पाकिस्तान में इमरान खान है, उसमें कोई डाउट नहीं है। मैं बाहर मुल्क में था 30 साल 40 साल, मैं सब छोड़ के आ गया इलेक्शन कैंपेन 2018 में, और कारवान लेके आया था। वो पूरा घर है उसमें। इलेक्शन कैंपेन के लिए मैंने इमरान खान को तोहफा दे दिया। देखें जी, इन्होंने कारवान इमरान खान को इलेक्शन कैंपेन के लिए तोहफा दे दिया कि खान साहब ये लें, इस पर जाएँ, इलेक्शन कैंपेन करें। सर, इमरान खान ही क्यों, आप इमरान खान के साथ क्यों करें? देखें ना, अब 40 साल की हिस्ट्री देख लें, पहली तो छोड़ें, ये जो दो ख़ानदान आपस में मुकमुका है, वो कहते वो चोर है वो चोर है, जब केस भी किए वो कुछ रिजल्ट नहीं निकला। इमरान खान के आके वो जो दो फैमिलीज में आके तब्दीली लाई है कि अब वो दो ख़ानदानी है, इमरान खान आ गया है, और वो करप्शन की टोटली ख़राब है, उनसे हाथ भी नहीं मिलाना नहीं चाहता जो करप्ट है, कोई से कहते हैं नो टू करप्शन, ख़त्म। तो इमरान खान इसलिए कि ईमानदार है, करप्ट नहीं है, उसका कोई एक पैसा अकाउंट बाहर नहीं है, कोई प्रॉपर्टी बाहर नहीं है, और जब दिल बात करता है, अल्लाह का नाम लेता है, हजूर पाक का नाम लेता है, और दिल से करता है। जब गरीब की बात करता है, मुझे रोना आता है। इसी तरह हमारी कौम की भी मैं देखा है, फैमिलीज जो बात करता है वो ऐसे बैठे होते हैं मस्मराइज, और उनको आँखों में आंसू आए होते हैं। तो दूसरे जो बात करते हैं उनके आप सुने ना, फ़र्क साफ ज़ाहिर है। अच्छा, मुझे बताएं, जो मुल्की हालात पैदा हो गए हैं, इसका जिम्मेदार किसको समझते हैं? 100% वो जो है पिछले 30 साल से जो कर रहे हैं मुकमका, और 100% इसमें कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है। ये जो लोग कहते हैं ना, वो फेसबुक वगैरह पे डालते हैं कि इमरान खान या नवाज शरीफ, इमरान खान या जरदारी, मैं कहता हूँ इस कंपेरिजन तो है ही नहीं, करना ही नहीं चाहिए। वो इमरान खान की जूती की खाक के बराबर है। दैट्स अ फैक्ट। कोई कंपेरिजन है ही नहीं। ठीक है, तो क्या समझते हैं, जो इमरान खान को हटाया गया, इमरान खान की हुकूमत गिराई गई, इसकी रीज़न क्या है, क्या वजह हो सकती है? अब अच्छे बच्चे को पता है कि सुपर पावर पीछे थी, और हमारे अपने यहाँ थे क्या कहते हो, मीर सादिक, मीर जाफर, उसे मिल गए और उन्होंने गिरा दी। ये सर तो सब बच्चे को पता चल गया होगा। देखें जी, मेजर साहब ने इमरान खान को एक पूरा घर तोहफे में दे दिया, पूरा कारवान तोहफे में दे दिया कि इमरान खान साहब इस पे जाएं, इलेक्शन कम्पेन करें और दोबारा वजीर आज़म बन के इंशाल्लाह, और 2/3 मेजोरिटी से। 2/3 मेजोरिटी, लेकिन जैसे इमरान खान पहले करे थे ना, इलेक्शन जल्दी कराओ, अब उनको पता लग गया कि इलेक्शन में बड़ी धांधली होनी है, तो अब उन्हें ऐड कर दिया साफ, फ्री एंड फेयर, साफ शफाफ, और बड़ा मुश्किल होगा क्योंकि सारे इदारे उन्होंने अपने हाथ में कर लिए हैं। वो क्या मदर ऑफ NRO मैं इसको कहूँगा, वो खुद ही ले लिया सब कुछ से। इलेक्शन कमीशन उनके हाथ में है, FIA उनके हाथ में है, और उसके बाद देखें ना कितने लोगों को हार्ट अटैक भी हो गए, जो IO थे, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, वो क्या चपरासी क्या नाम था उसका, वो उसको भी हार्ट अटैक हो गया। अच्छा, मुझे ये बता दें, रिटायर्ड फौजी जो हैं इमरान खान के साथ करें, मैं कहूँगा कि 99% हाँ सर्व जो कर रहे हैं वो भी आई थिंक उनके साथ हैं।